एंड वरुण सामने भी नंबर प्लेट के ऊपर बोल रहे हैं क्या है श्री धागा का अच्छा वो भी जाएगा बस एक नॉट मार देते हैं वहाँ पे वो रह जाएगा हाँ मेसी के ऊपर एक और मार देते ऐसे लेके हाँ चलो लॉक मैक्स को लॉक कर दूँगा लॉक किया जाए How will do the interview? Nice. This was nice. हाँ ये सब का मिलना चाहिए
प्रोजेक्ट में तुम ये तो नहीं करेगी खुद की वजह पे लगाऊंगा अभी
आप गाना चलाइए। वो भी अपना समय ना दे रहे हैं, सब लोग बैठ जाओ। दादा पहले तो आप सबको बहुत जाने पहचाने चेहरे दिख रहे हैं, मुझे बहुत दोस्त है अपने जयपुर में और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हमेशा आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए, बहुत लकी है जयपुर में। वो गाना तो चलता ही, पर फिर साथ में फिल्म भी चल जाती है और ये फिल्म बिल्कुल हार्ट लाइन वाली फिल्म है। बिल्कुल इसी मैं एक बस के पीछे भागा था, जिस बस में अनुष्का जी जाती है उस बस के पीछे मैं भागता हूँ। बहुत धूप थी उस वक्त एंड दिल्ली के रोड पे मैं भागते 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 वो बस आगे निकल गई, मैं उधर ही रह गया। मैंने उल्टी कर दी थी और आप मानोगे नहीं, किसी ने मुझे पहचान नहीं रोड पे। मैंने उल्टी किया, मैं उधर बैठ गया, कोई मुझे देख रहा नहीं क्योंकि मैं मूंछ में और स्वेटर में, लोग मुझे मतलब देख के ऐसे कर रहे थे, ये कौन है अजीब आदमी, ऐसे देख के जा रहे थे। बट जेन्युइनली हम लोग ने बहुत खून पसीना दिया इस गाने में। अनुष्का यू कैन डाउन उसको साइकिल राइड पे। हां ये एक्चुअली गाना बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारा पहला गाना है और हम इसको जयपुर में लॉन्च कर रहे हैं। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप जैसे सुनी इसकी मेलोडी, ये बहुत ही न्यू एज है बट उसमें एक सुर है, एक ओल्ड वर्ल्ड चाप है। एंड अभी तक जो भी हम लोगों को रिस्पांस मिला है, जो यूजुअली सोशल मीडिया से पता ही चल जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग और बहुत अच्छा रहा है। उससे बात करें पहली बार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस गाने के ऊपर, अब वो जयपुर की मीडिया है। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। आप लोग काफ़ी शांत स्वभाव के हैं तो आपने कुछ ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी हम तक अभी तक लोगों को, पर आप लोग की चेहरों पर खुशी है। आपने सही बात बोली है, हम लोग पहली बार साथ में फिल्म कर रहे हैं। एंड द थिंग इज दैट वरुण एंड मी एक्चुअली डिड नॉट रियली नो ईच अदर दैट मच आल्सो, वी हैड मेट सोशली फ्यू टाइम्स, लेकिन हमने जब एक दूसरे के साथ इस फिल्म में काम करना शुरू किया, हम दोनों जानते थे कि हमारे लिए जर्नी बहुत ही अच्छी तो होने वाली है बट साथ में बहुत मुश्किल भी होने वाली है क्योंकि हम दोनों ऐसे कैरेक्टर्स निभा रहे थे जो लाइक एटलीस्ट वरुण के लिए भी बहुत मुश्किल था। जिस तरह से शरद उसको देख रहे थे, कैरेक्टर्स को देख रहे थे, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ऐसा मैंने आज तक कभी कोई कैरेक्टर निभाया नहीं था जो मेरी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अलग था। तो हमने दूसरे का काफ़ी अच्छा साथ दिया इस जर्नी में। और एक्चुअली जैसे हम लोग दिखाए मौजी और ममता का जो रिलेशनशिप है ड्यूरिंग द फिल्म, देयर रिलेशनशिप ग्रोज़, दे बिकम फ्रेंड्स, दे बिकम पार्टनर्स। तो वैसे ही मैं और अनुष्का भी डिडंट नो ईच अदर सो वेल, but during the film we formed the friendship. So I think that initial awkwardness, जैसे arranged marriage मेरी शादी नहीं हुई है, but जब arranged marriage होता है तो I guess थोड़ा awkwardness होता होगा beginning में क्योंकि it's not a love marriage, arranged है।
तो वो जो ऑकवर्डनेस है धीरे धीरे बहुत सारे मर्द हाँ हाँ बोल रहे होते जब वो धीरे धीरे जब फ्रेम में कन्वर्ट होता है तो वो एक फीलिंग बहुत ही ऑर्गेनिकली आया ये फिल्म में क्योंकि हमारी भी दोस्ती ये फिल्म करते हुए एंड देन इट बिकेम वेरी फ्री एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत जोक्स क्रैक करते रहते हैं बिहाइंड द सीन्स एंड वी हैव अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली बेस्ट चीज ये कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत फनी समझते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर इसकी बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है लोगों की पहली बार एक बॉलीवुड फिल्म में एक लोगों का डाक भेजा था राजस्थान भी आया था फिर पंजाब थोड़ा डिग्री हिल्स में वी वेंट टू अ ट्राइब ओवर देयर आल्सो एंड उनके सब लोग लोगों देश के डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बनाए हैं हां जी सर पूछिए माय नेम इज अमित पार I think it's a very good question because Anushka and me together could have come in a out and out masala film where we dance well, I have film and t-shirt nikal do, aise naach rahe log, aise gaane karke jo hame pata hai film mein jo bahut bada hai, jo kisi bhi film se bada ho jata hai message. Aur jo message hai made in India, wo bahut badi cheez hai. Kahin na kahin kabhi ambassador of Modi ji ho. Because he also is working for the India and day and night. Sir, I think we all are Indian citizens and our religion is being Indian. Haan ji sir, aap bolte hain. Aapne sui kone, dhaga kone? Phone mein kya seene wale? Hum log dil seene wale. Ye actually Anushka ne bahut acha idea answer diya tha. Actually ye film in characters ke sabko ke bare mein hai. Ye film entrepreneurship ko celebrate kar rahi hai. कि आप जहाँ से हो कहाँ जहाँ पे भी हो आप वहाँ से कहाँ पहुँचना चाहते हो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है अपने विल पावर को सेलिब्रेट कर रही है तो अगर मैं इसको छोटे में कहूँ तो सपनों को सेलिब्रेट कर रही है तो हम दोनों तो सुई धागा है और हम सपने बुन रहे हैं इस फिल्म में और वो ही आपको फिल्म में भी दिखेगा इसमें बहुत स्पेशल चीज़ एक और है कि डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में बात करती हूँ जो मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था ये फिल्म करने का एंड कहीं पे वो चीज़ मुझे बहुत छुई जो आपने देखा भी है ट्रेलर में कि जब उनको उनके जो एम्प्लॉई हैं उनकी बेइज्जती करते हैं क्योंकि उनको लगता है इसको हमने काम पे रखा हुआ है तो किसी से कुछ भी कर सकते हैं उनकी वाइफ को बहुत गंदी लगती है बात कि आपको ऐसे कैसे वो यू नो काम पे ऐसे कर सकते हैं आपको जितना टैलेंट है आप उससे उसके साथ कुछ करो तो ये जो बात है लिखने और लेबर की ये चीज़ मुझे बहुत छुई कि इंसान चाहे कोई भी काम करता हो एक तो उसको वो काम करते हुए बहुत प्राउड होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ ये मेरा काम है और दूसरा किसी और इंसान को किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए कि ये है तो इसका ऐसा कर सकते हैं ये चीज़ें मुझे बहुत गंदी लगती है और ये चीज़ हमने फिल्म में दिखाई दी है तो इंडो वेस्टर्न हमेशा एक इंडियन टच रहता है इनके सर ये फिल्म आपके बहुत सी मार्केट में मैंने भी देखी है तुम्हारे लिए भी देखी है अच्छा वरुण एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने पेरेंट्स को कुछ लगा जब आपने खुद ने अपने हाथ से एक शर्ट को कटिंग करके फिर आपने उसको बनाया और अपने पापा को वो गिफ्ट किया हाउ वाज द फीलिंग एक्चुअली देते वक्त मैं थोड़ा नर्वस था बिकॉज़ मुझे पहले तो आई डिडंट नो इट विल फिट हिम तो आई वाज स्टिल वरीड अबाउट दैट बट जब मैंने वो शर्ट दी उनको और उन्होंने पहना तो वो एक्चुअली वो रात को दिया था क्योंकि वो बनते वक्त काफी वक्त लग गया एंड देन मैंने बहुत शर्ट को काफ़ी दो तीन घंटे वही पहने उसी में डिनर किया तो उनके चेहरे पे काफ़ी खुशी थी एंड ही फेल्ट प्राउड कि यार मेरे बेटे ने बनाया यू नॉट बिलीविंग मुझे एक्चुअली वीडियो दिखाना था उनको यू मेड इट तुमने बनाया जी हां बनाया पापा बट इट्स एक्चुअली कुछ बनाना बहुत अच्छा लगता है खुद को ही बहुत बहुत ही फ्री फीलिंग होती है बना So with this, we have to say thank you to Varun and Anushka and wish बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी का जोड़ डालता नहीं होता थैंक यू सो मच फोटो सो अनदर फोटो ओपन आती Thank you. Thank you. Thank you.